अंकल जी ईद मुबारक। कितने का सर? 100 रुपीज प्लेट। ये फ्रूट चाट। वाले वाह वाह क्या बात है। अजमेर वैली जिसमें लिखा हुआ है वो वहाँ पे हैदर पिक्चर का शूटिंग हुआ था, इसी जगह पे। यहाँ हैदर पिक्चर बना था, यहाँ से मीना बाजार स्टार्ट। वाला चिकन ये हुक्का कितने का आता है सर एक? ये देखो फ्लोटिंग मार्केट, यहाँ पे ये ज्वेलरी का शॉपिंग चल रहा है यहाँ पे। ये फ्लोटिंग वेजिटेबल लैंड। यार कितना ही कर रहा है ना, एंजॉय कर रहा है। बाप का बेटी प्यारा होता है। बम्पर सेल वाला क्राफ्ट आइटम। आयत का मम्मी। He is the maintainer, he is the preserver, he is the one who provides us with shelter. देखो आयत सो गया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ उसको बैक साइड में जगह है, उधर सुला देते वो अंकल देखेगा ना ते रहेगा। ओ बेबी सूखो, ओपन करो। ये हम लोग शिकारा राइड में चढ़ चुके हैं। अंकल जी आपका बोट का नाम क्या है बताइए पहले? आपका बोट आपका नाम रफीक भाई, आपका बोट का नाम सुनोवेर। वाओ, नंबर वगैरह हम बाद में अंकल से लेके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी यहाँ आइए तो अंकल से बात करिए, अंकल आपको पूरा दिल से घुमाएगा, दिल से। अंकल का चेहरा देखते हैं बहुत बढ़िया, बहुत हसमुख है अंकल। आइए मेरा बेटी अभी सो रहा है। चलो देखो हम लोग चिकारा राइट में निकल पड़े है। ये देखो हाउस बोट जितना है, रात को बहुत चमकता है, जिसमें ज्यादा लाइट है वो ज्यादा चमकता है, लेकिन दिन में सब बराबर दिखता है। और जो थोड़ा सा बड़ा साइज है वही थोड़ा सा अच्छा है, और जो छोटा साइज है ना उसके अंदर थोड़ा सा घुटन सा आने वाला है। और इसके बारे में हम बाद में अगला वीडियो में बताएंगे, जो यहाँ के बारे में एक गाइड वीडियो रहेगा उस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। और ये देखो सामने से कितना मस्त लग रहा है। हाँ, हाँ। ये देखो माई बेबी को भी देखो, ये लेटा हुआ है। ये देखो मैडम फुल मजा ले रहा है, और मेरा बेटी को तो कोई मतलब नहीं है उसको, बस मेरा बेटी को एक ही मतलब है, वो बार बार पानी छूने के लिए जा रहा है। ये देखो इधर पूरा फुल फैमिली अंकल लोग इस बोट में मजा ले रहा है, और अपन मजा ले रहा है यहाँ पे। ये आयु प्लीज देखो, ये टाटा मछली थोड़ी पकड़ रहे। अच्छा, ये वाला छोटा वाला बोट को क्या बोलते हैं? वो छोटा वाला बोट को क्या बोलते हैं? छोटा वाला बोट को, वो भी शिकारा भैया। मछली एक भी आया? मछली मिल रहा है? कितना बड़ा दिखाओ। अरे वापस कर दिए। अच्छा जान बखस दिए, जान बखस दिए। हाँ ये देखो छोटा छोटा है, बाहर इन लोगों चेयर लगा रखा है बाहर घूमने फिरने के लिए। वाओ 2-3 दिन स्टे करो, उसमें से एक दिन पूरा दिन नाइट बस यहीं पे बैठे रहो बोट में, वो सही रहेगा। घूमने जाने का कुछ नहीं है तब। कितने का सर? 100 रुपीज प्लेट फ्रूट चाट। नहीं सर नहीं, थैंक यू सर, नहीं चाहिए। यहाँ पे ये लोग हुक्का, ये हुक्का कितने का आता है सर एक हुक्का? हाँ। और ये देखो नेकलेस वगैरह, मतलब हाथ का ब्रेसलेट वगैरह ये सब भी सेल करते हैं। बैग है, काफी सारा मतलब क्राफ्ट आइटम यहाँ पे सेल करते हैं। मस्त चीज है। ओ मम्मी से प्यार करने चला गया बाबू। हाँ तो तीनों वहाँ से। वाओ देखो अंकल जी सब्जी बेच रहा है क्या? अंकल जी ईद मुबारक। ये फ्रूट चाट। ये देखो फ्लोटिंग मार्केट, यहाँ पे ये ज्वेलरी का शॉपिंग चल रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे सिल्वर गोल्ड सब कुछ मिल जाता है आपको। वो देखो एक लेडीज कान का है, गले का है, फुल चढ़ के जा रहा है। आप उसके इतना रेट बताया ना, मैं पहली बार कंफ्यूज हो गई भाई जान। क्या है भैया? क्या है? ये चाय कॉफी
यहाँ थोड़ा धूप आ गया ना, असर का नमाज भी दे रहा है। पकड़ो। मामा रुको। वाला चिकन चार चार से ओ भैया मुझे चिकन दे दो ना। ये कितना है? रहने दो, रहने दो। नहीं नहीं बस आएगा ना चटनी तंदूरी नान भी आएगा साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री आएगा सारा। अरे मुझे सिर्फ वही चाहिए था। वो ले लो, ये ले लो, एक ही बात। नहीं ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही चाहिए था बच्चा के लिए। लेकिन आपका ये प्राइस 450 में देना। हमारा मेहनत का बहुत, एक एक मेहनत का पैसा है। जो काला धन है ना उसके लिए ये देखिए ये फ्लोटिंग मार्केट है। यहाँ पे ज्वेलरी यहाँ पे परचेसिंग कर लिए है। और ये देखो इधर भी फ्लोटिंग मार्केट है, पोर्ट मार्केट। क्या है भाई जान, क्या नाम है, क्या नाम? कहावा। कितने का है? 50-20 रुपीस वाला नहीं है? डाल लेक बटालियन 144 CRPF। अच्छा वाह, ये वाला एरिया देखो कितना मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे चारों ओर एक जंक्शन है ये वाला, ये जिसको हम चौराहा भी कह सकते हैं। देखो इधर भी है हमारा सबसे बड़ा लगा बाबा। हाँ ये वही तो, श्रीनगर डाल लेक की वजह से इतना फेमस है। डाल लेक इतना मस्त, देखो कितना मस्त मस्त मिल रहा। हाँ सब ये साड़ा साड़ी है ना, वाओ कितना खूबसूरत है ये। आयो देखो म्याओ म्याओ, ओ माय क्यूट केटी, वाओ केटी। ये देखो फ्लोटिंग मार्केट पूरा। धूप कितना तेज आ रहा देखो, और यहाँ का पानी देखो कितना मतलब हरा हरा, इसमें गंदगी काफी है। भैया नहीं बताएगा, उसका भाई भी है डाल लेक के बीच में। अच्छा अंकल ये सब डाल लेक का बीच में है कि साइड में है? ओल्ड पार्ट ऑफ सिटी। अच्छा ये डाल लेक का अंदर है कि बाहर है? ये जो घर है लेक के अंदर है, टापू में है या बाहर है? लेक के अंदर। अच्छा देखो यहाँ पे भी कितना मस्त साड़ी वगैरह। ये फ्लोटिंग नहीं है, नीचे खूटा गाड़ा हुआ है। ये तो पहले नाव था, नाव को क्या क्या खूटा गाड़ के उसको फिक्स कर दिया। और ये लाइन पूरा इसे एक लाइन से जा रहा है, पूरा अंधेरा है। अंधेरा नहीं यार, धूप की वजह से पूरा गजब लग रहा। मम्मा प्लीज देखो इधर, वाओ यहाँ पे देखो ये लोग पर्सनली अपना बोट चला रहे हैं मैडम जी। देखो यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेबल लैंड है यहाँ पे। अच्छा अच्छा सब कुछ यहाँ पे होता है ना, ये फ्लोटिंग वेजिटेबल लैंड। तैरने वाला है क्या? अच्छा ये खुदा की करिश्मा है। देखो कितना मस्त मार्केट भी है, पर ये हमारा गलत टाइम है कि पता नहीं इतना जोर से लग रहा ना। यहाँ हैदर पिक्चर बना था, यहाँ से मीना बाजार स्टार्ट। मामा मैं हेड खोल, हेड नहीं खोलेंगे। अला भाई चश्मा पहनो, चश्मा ना पूरा बोल। हैदर पिक्चर यहाँ बना था, कहीं पे नहीं चलिए जहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। अभी जाएंगे ना बाजार में, रुकेंगे ना अभी बाजार में। मीना बाजार चारों तरफ ऐसे हैं। वो देखो सामने स्पोर्ट के पीछे हमको दिख रहा है एक कश्मीर वैली लिखा हुआ है, कश्मीर वैली जिसमें लिखा हुआ है वो वहाँ पे हैदर पिक्चर का शूटिंग हुआ था इसी जगह पे। ये इस जगह का नाम है मीना बाजार। इस तरफ ये कौन सा जा रहा है, ये वाला रोड? वाओ कश्मीर वैली, ये है ओल्ड पाठक सिटी। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाउन टाउन। डाउन टाउन यहाँ से कितना, आधा घंटा और लग जाएगा। यहाँ पे हैंडक्राफ्ट का काम चलता है, यहाँ पे सब लोग खुद यही पे बनाते हैं। इसका क्या नाम बताया है? इसका ये चरखा है, वो पार्क बोलते हैं, कारपेट जिसमें
अच्छा कार के चलते खा नहीं पाए। देखो हम एक टूरिस्ट बस में चढ़ गए हैं 200 रुपए में, मतलब 1% 100 रुपए में जाना 100 रुपए में आना, दो आदमी 200 रुपए। इसको पकड़ो, एक पकड़ के खड़ा रहो। वाह यार, कितना ही कर रहा है ना, एंजॉय कर रहा है।
मैं गिर जाऊंगी बेटी। हम लोग इसके ऊपर चढ़े थे, बहुत मस्ती हुआ, बहुत मजा आया। अभी हम लोग खाना खाने के लिए दिल्ली दा रसोई की ओर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे अच्छा कुछ थाली वगैरह कुछ भी ले गया। हाँ भीड़ तो बहुत ज्यादा है, तो आयत सो गया है, ये प्रॉब्लम हो गया। तो ऊर्जा बेबी खाना खाएंगे। रात का खाना में हम लोग मंगाए है पंजाबी थाली। पंजाबी थाली में चावल, सलाद, ये दाल मखनी मिक्स भेज, शाही पनीर, और इसमें ये खीर है कि दही है, ना दही है। दो तंदूरी रोटी और एक पापड़ मिला था। और हम खाना खा रहे आज दिल्ली दी रसोई। खाना उठ गया है नींद से, अभी खाना खा रहे हैं। और दो आ गया, ये है वेज चाउमीन और ये मंचूरियन। आया कौन सा खाएगी? फुल गरम है। अभी जो हम लोग खाना खाया दिल्ली दी रसोई, बहुत अच्छा खाना था। हर खाना में बहुत अच्छा टेस्ट था। दोनों ने अच्छा खासा खाना खा, पेट भर गया। अभी इसकी जस्ट बगल में, ये दिल्ली की रसोई की बगल में, ये बम्पर सेल वाला क्राफ्ट आइटम। यहाँ पर देखो, ये आयत का मम्मी ये लेने में व्यस्त। हाँ चलो, क्या लेना है? वाओ कितना है, वाओ शिकारा, वाओ बैग से इधर भी है कुछ बॉक्स वगैरह, उधर लेडीज काफी सारा आइटम। अच्छा ये थोड़ा लाइट है, वो होता होता है अमेरिकन वाला चीज़, ये होता है देसी आना, ये देखो वो उसमें नहीं आएगा। बच्चे को अब आपने बात की ना, वो अगर आप बच्चों को 10 किलो भी दे ना कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये देखो कितना तेल निकल रहा है, ये ज्यादा बाहर का ही आता है। ये वाला लिया श्रीनगर की, मतलब जम्मू का यादगार के लिए। और ये वाला बोल रहा कि अदरक कूटने के लिए, वो अंदर है। और यहाँ पे कुछ क्या मसाला लिया जा रहा है। और क्या रखना है इसके अलावा? क्रीमियम नहीं, क्या क्या नाम है? अतर वगैरह, ये लौंग, इलायची, साजीरा, कैंडी और वो दालचीनी। ये वाला बस यहाँ पे चढ़ता है डबल ट्रेकर, मतलब नीचे बैठने का है, ऊपर भी बैठने का भी है, और प्लस खड़ा रहने का। फुल म्यूजिक बजता है और इसमें घूमने का बहुत ही मज़ा है। इसमें यहाँ अगर आते हो तो ज़रूर इसमें घूमना, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें।